स्टार प्लस के सीरियल दिल तो हैप्पी है जी में रॉकी का गुस्सा आज सातवें आसमान पर है और वो बुरी तरह भाटिया की पिटाई कर रहा है। वो तो ऐन वक्त पर हैप्पी आकर रॉकी को रोक लेती है। असल में भाटिया की बेटी सानिया ने हैप्पी की मम्मी पर हमला किया था और इसीलिए रॉकी भाटिया से ये जानना चाहता है कि सानिया कहाँ है, लेकिन अब तक रॉकी और हैप्पी को सानिया के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हाँ वही, क्योंकि अभी भी मुझे पता लगा कि संध्या आंटी पे जो अटैक हुआ है, जो पहले बोल रही थी कि वो फिसल के गिर गई थी मंदिर की सीढ़ियों से, बट एक्चुअली में वो सानिया का कांड था। सानिया ने उन्हें मारने की कोशिश की, तो वही गुस्सा है कि आप यार कितना आप मतलब पीछे पड़े हुए हो हमारी फैमिली के, और हैप्पी की फैमिली और मेरी फैमिली में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, तो वही गुस्सा है और इसीलिए थोड़ा सा भाटिया को और सानिया के लिए मैं थोड़ा सुताई करने आया हूँ कि अभी बहुत हो गया और वो गुस्सा उनके ऊपर निकाल रहा हूँ मारपीट में। अच्छा, तो हैप्पी अगर बीच में आपको रोक लेती है, आपका गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम लोग सही रास्ते से उन्हें पनिशमेंट देंगे, इसके बारे में आप क्या? देखो अभी एज अ रॉकी बोलूँगा तो मैं बोलूँगा सही रास्ता तो यही था कि क्योंकि लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से मानते नहीं हैं, तो ये लातों वाले भूत हैं, तो सही रास्ता तो मैं अपना ही रहा था, बट हैप्पी के रास्ते अलग हैं, तो बट फिर भी अब हैप्पी एकदम सामने आ जाती है, अपने आप को सामने ले आती है, तो वो मुझे मारने नहीं देती क्योंकि उसको डर है कि कभी मैं मारपीट करके फिर से जेल ना चला जाऊँ। बड़ी घबराई रहती है वो कि कभी दोबारा हैप्पी जो रॉकी है वो जेल वेल ना चला जाए कांड वांड करके कोई, तो इसीलिए वो मेरे को थोड़ा बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए बोल रही है कि तू मत मार, तू किसी चक्कर में मत फंस ये सब करके, तो इसीलिए वो थोड़ा बचा रही है और हैप्पी की बात सुन के मैं गुस्से में चला भी जाता हूँ फिर। So, आप हैप्पी की बात मानेंगे, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे तो राम जाने, आगे जो होगा वो मुझे भी पता लग जाएगा और आप लोगों को भी पता लग जाएगा। स्टार प्लस के सीरियल कृष्णा चली लंदन में हो रहा है महाड्रामा, जहां राधे हो गया है बेहोश और इस वजह से पूरे घर में हड़कंप मच गया है। असल में राधे बेला भाभी की बनाई हुई चाय पी लेता है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है, और जब कृष्णा वो चाय देखती है तो उसमें से उसे काफी गंदी बदबू आती है, और ये बात जब कृष्णा सभी घर वालों को बताती है तो शुक्ला जी गुस्सा हो जाते हैं और उल्टा कृष्णा पर ही भड़क जाते हैं। किचन चैंपियन में आ गई है सास बहू की जोड़ी यानी भाभो और मीना बींदनी, जो रसोई में लगा रही हैं नच का तड़का और साथ ही साथ हो रही है ढेर सारी मटर गश्ती। टक्कर का है, जमाना बदल गया है तो बहुओं को भी मौका देना चाहिए, लेकिन क्या है कि अंदर से तो सास यही चाहती है ना कि मैं ही जीतूं। ये देख मौके पे चौका मारती है ये।